नमस्कार फ्रेंड्स फ्रेंड सुलकर सरव्या में फारूक आपको इस पॉलिटी के इस सेशन में जिसको बोलते हैं पॉलिटी इन टू मिनट्स उसमें मैं अटॉर्नी जनरल की बात करूंगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी mm. जनरल ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो आर्टिकल का, वो कराई थी सीरीज में बताया था आपको सेवेंटी सिक्स आर्टिकल जो है वो वो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट की बात करता है इसके अलावा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एटी आता है जो कि बोलता है राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल और वन जीरो आता है जो कि बोलता है प्रिवेजस पावर एंड एम्यूनिटीज़ जो कि एम के बारे में बात करता है तो ये तीन आर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट है सेवेंटी सिक्स और वन और राइट right. अब यहाँ पर आते हैं पहली चीज़ अपॉइ अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है अच्छा ये इनकी अगर क्वालिफिकेशन पूछे तो ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक कि आप पाँच साल से हाई uh, कोर्ट के जज हो हाई कोर्ट के जज हो पाँच साल से या आप दस साल से हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हो दस साल से हाई कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हो पाँच साल से हाई कोर्ट में जज होना चाहिए ये हुआ क्वालिफिकेशन की बात होती है आगे बढ़ते हैं टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है सर ठीक है ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट टर्म फिक्स नहीं है ठीक है यही भी आप बात की टेन्योर इज नॉट फिक्स ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ठीक है कन्वेंशनली कन्वेंशनली ही ही द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन जैसी वो रिज़ाइन करते हैं ये भी रिज़ाइन कर, कर देते हैं ठीक है एज ही इज़ अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस और जो भी बात ये मैंने आपसे बताई होगी कि जो भी बात प्रेसिडेंट इंडिया में जो भी काम करता है उसके पीछे जो एडवाइस जो दे रहा होता, होता है वो सी ओ एम होता है मतलब बोले ये दिखाए ये जा रहे हैं पर एक्चुअल ये हैं इसीलिए ये ये नॉमिनल होते हैं और ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं ठीक आगे आते हैं रेन्यूमेशन में वो भी प्रेसिडेंट फिक्स कर रहा है तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन हो कि प्रेसिडेंट होगा या पार्लियामेंट होगा तो हमेशा प्रेसिडेंट को मारिएगा ऑप्शन में ठीक है आगे आते हैं इंपॉर्टेंट बात ये कि ड्यूटीज़ और फंक्शन क्या है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां पर लीगल मैटर आएगा वहाँ ये एडवाइस करेंगे ठीक है अगर कोई और लीगल कैरेक्टर का इनको ड्यूटी देगा प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट तो उसको ये परफॉर्म करेंगे ठीक है टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन इम बाई कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ दे रहा होगा इस टाइप के लीगल मैटर्स के उसमें यह जाएंगे इसके अलावा प्रेसिडेंट हैज अजाइन द फॉलोइंग ड्यूटीज़ अब क्या ड्यूटी है टू अपियर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई केस यूनियन का अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में है तो वहाँ ये वहाँ पर यह अपियर होंगे यूनियन की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी मसला आर्टिकल 143 से रिलेटेड होगा वहाँ पे ये अपियर होंगे इसके अलावा हाई कोर्ट में अगर कोई मसला यूनियन का चल रहा है और वहाँ पे यूनियन एज अ पार्टी है ठीक है तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल पहुँचेंगे अच्छा अगर राइट और लिमिटेशन की बात कर लें देखिए ये जो देखिए अटॉर्नी जनरल जो हैं ये ये इंडिया की सारे कोर्ट्स में अपियर हो सकते हैं ये टेरेटरी उसके अंदर जितने कोर्ट हैं वहाँ कोर्ट्स हैं वहाँ पे ये अपियर हो सकते हैं ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों की प्रोसीडिंग्स में अपियर हो सकते हैं ये, ऐ... ये प्रोसीडिंग जॉइंट सेटिंग में भी बैठ सकते हैं ये कमेटी के मेंबर भी हो सकते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के मम्बर हो सकते हैं लेकिन राइट टू वोट नहीं है इनके पास राइट टू वोट क्यों नहीं है क्योंकि ये मेबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है और राइट टू वोट सिर्फ मेंबर्स के पास होता है तो ये सिर्फ इनके पास क्या है राइट टू वोट नहीं है नहीं है ही इन्जॉयज़ ऑल the privileges and amenities that आर अवेलेबल टू एम पी वो आपको वन जीरो फ़ाइव के थ्रू एम्यूनिटीज़ की बात कर रहे हैं आर्टिकल वन जीरो फ़ाइव के थ्रू अच्छा आगे आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात यह है अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ही डज नॉट फॉलो इन कैटेगरी ऑफ ही डज नॉट फॉलो इन कैटगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ही इज़ नॉट डीपार्ट फ्रॉम लीगल प्रैक्टिस कोई फुल टाइम मेमर वो नहीं है तो ये अपना अपना जिनका लीगल प्रैक्टिस उसको ये कर सकते हैं ठीक है, अपनी लीगल प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू कर सकते हैं उसके अलावा फिर ये भी है कि नॉट बी डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी एडवाइस ऐसी ना दें ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कुछ चीजें होती हैं उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि सेवेंटी सिक्स आर्टिकल इनके बारे में बात कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और अगर हम इसकी बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है तो ये छोटा सा वीडियो था आपको अटॉर्नी जनरल के ऊपर आपको हर साल क्वेश्चन मिलते हैं अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल हम एक और वीडियो एडवोकेट जनरल बनाऊंगा जो कि वन आर्टिकल के थ्रू होता है मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक यू वेरी मच